नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। दरअसल अखिलेश ने अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोकतंत्र रक्षक सेनानी अवधेश जी खड़े हैं, ये है राजा अयोध्या। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सिर पर अहंकार सवार हो गया है। अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक व्यवहार है। जरा आप ये वीडियो देखिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। तो देखा आपने कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था। जिस बयान के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बता दें कि अखिलेश बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की उपेक्षा पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और नेताजी ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की सुविधाओं को बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने इन्हें मिलने वाला सम्मान कम किया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के लिए एक्ट बना, उसके मुताबिक इन्हें सम्मान निधि मिलती है। अगर बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को पैच अगर बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की शुभचिंतक है तो इन्हें मिलने वाली सम्मान निधि दुगुनी कर दे। अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को कानूनी अधिकार दिया, इनसे इन्हें भत्ता सुविधाएं सम्मान मिल रहा है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि बीजेपी इन्हें मिलने वाली सम्मान निधि 1,00,000 रुपए कब देगी। वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश के उस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा के सिर पर अहंकार सवार हो गया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी अखिलेश यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम है। जरा सुन लीजिए कि इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है, साधु संतों की नगरी है, अयोध्या पूज्य नगरी है। यहाँ सरजू नदी है, स्नान ध्यान करने से लोगों के जो है दुख दर्द जो है दूर होते हैं। अयोध्या के राजा वो नेता नहीं हो सकते, अवधेश प्रसाद नहीं हो सकते। यहाँ के राजा वहाँ के, यहाँ के नेता हैं और सेवक हैं, और राजा यहाँ के भगवान राम हैं, हनुमान जी सेवक हैं। तो अयोध्या की धरती ये पूज्य मानी गई है। नेता जीत जाएँ, पब्लिक की सेवा करें, वो सेवक माने जाते हैं। अयोध्या के राजा नहीं हो सकते, वो नेता हैं तो नेता रहेंगे। अयोध्या राजा किसको मानते हैं? अयोध्या के राजा हम तो जो है भगवान राम को मानते हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं। अयोध्या प्रसिद्ध है, सरजू नदी से प्रसिद्ध है, हनुमान जी से प्रसिद्ध है, भगवान राम के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या की नगरी भगवान राम के नाम से जानी जाती है। अयोध्या के अयोध्या नगरी वो भगवान राम राजा हैं यहाँ के, और राजा रहेंगे। तो सुना आपने कि इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अखिलेश यादव के उस बयान पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। खैर, अखिलेश यादव के उस बयान पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।